Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well and I am with you Priya Misra. So in this video, I will be discussing about joint CSIR UGC NET examination 2022, which was held in the 17th of September. So I will be comparing about SIPT 1 and SIPT 2 on the basis of a paper which was released by the NTA, that is Mark's response sheet. So I saw the paper of both SIPT 1 and SIPT 2, morning SIPT and evening SIPT I am talking about. So first of all, I make you clear, I don't support any SIPT, that I am from morning SIPT or SIPT or I am from evening SIPT. I will tell a clear, you know, what is a clear rating will be. So that's I will say. So first of all, यदि हम बात करें इस बार की examination की कि जो दो SIPT में हुआ था, सो मॉर्निंग शिफ्ट की हम बात करें तो क्वेश्चन जो था नॉट इजी. पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि दोनों शिफ्ट में से कोई भी शिफ्ट का पेपर इस बार इजी नहीं आया था. पेपर वाज मॉडरेट टू टफ. सो कटऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जस्ट बिकॉज कि जो लास्ट टाइम का कटऑफ पिछले बार के एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो उस टाइम मॉर्निंग शिफ्ट का कटअप बहुत ज़्यादा हाई गया था, और इवनिंग शिफ्ट की मैं बात करूँ तो वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंसेस में 15 मार्क्स का डिफरेंसेस था. तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लाइक कटअप 120 के अराउंड तो नहीं जाएगा, बिकॉज मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में से दोनों शिफ्ट कोई भी पेपर ईजी नहीं था, तो कटअप विल बी लेस. फर्स्ट ये बात हो गई. सेकेंड बात पर हम ये आते हैं कि दोनों पेपर मैंने कहा मॉडरेट टू टफ पे ही था. एंड यहाँ पे मैं ये क्लियर करूँ कि जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग शिफ्ट वो ज़्यादा टफ था. वहाँ क्वेश्चन, हालांकि कुछ क्वेश्चंस PYQs थे, रिपीटेड थे, कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो वो चीज़ें थी, लेकिन फिर भी जो इकोलॉजी से क्वेश्चंस मैंने देखे उसके जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही अजीब तरीके के मेसी ऑप्शंस थे. लाइक सारे ऑप्शंस करेक्ट लग रहे थे या फिर कुछ इस तरीके के डाउट्स आए. मैंने भी सारा पेपर एनालाइज़ किया तो उसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ, और बाकी के भी जो भी पोर्शंस हैं उसके भी जो मतलब क्वेश्चंस वाज नॉट सो टफ, बट जो ऑप्शंस उन्होंने बनाए थे वो काफ़ी चैलेंजिंग थे. एंड सीम्स टू अपीयर लाइक सेम, एंड एक एक स्टेटमेंट एक एक वर्ड की वजह से क्वेश्चन चैलेंज करना भी मुश्किल हो रहा था कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था, उन्होंने इस तरीके का चीज़ें दिया है. सो दिस इज़ द थिंग्स ओनली. एंड नेक्स्ट थिंग जो ये है कि मॉर्निंग शिफ्ट की मैं बात करूँ तो मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन ट्रिकी था, एंड उसमें भी स्कोर करना उतना ही टफ है. लेकिन यदि मैं 100 में से दोनों को परसेंटाइल यहाँ पे प्रोवाइड करूँ कि विच शिफ्ट वाज द ज़्यादा टफ एंड कम टफ, सो मॉर्निंग को मैं 100 में से यहाँ पे रेट करूँगी 75 आउट ऑफ 100, और मैं मॉर्निंग को 75 रेट कर रही हूँ, और जो इवनिंग शिफ्ट था वो 90 के करीब मैं उसको रेटिंग करूँगी कि 90% टफनेस के मैटर में था आउट ऑफ 100. सो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मॉर्निंग वाज आल्सो नॉट इजी एंड इवनिंग वाज आल्सो नॉट. सो इस तरीके की थिंग्स थी. और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एग्जामिनेशन का अभी आप क्वेश्चन चैलेंज किए हैं, और मैं मॉर्निंग शिफ्ट में देख रही हूँ कि 10 क्वेश्चंस चैलेंज हुए हैं, और वो डिपेंड करता है एनटीए पे और सीएसआईआर पे कि वो कितने क्वेश्चंस को वो करेक्ट करके आपको फाइनल आंसर की में देंगे. जितने क्वेश्चंस चैलेंज हुए डजंट मीन कि सारे को वो करेक्ट मानेंगे, या फिर हो सकता है कि करेक्ट भी माने, वी नेवर नो. सो हमने यहाँ से बहुत सारे जो भी रिसर्च पेपर है उनको रेफरेंस में डाल के, स्टैंडर्ड बुक में को रेफरेंस में डाल के चैलेंज किया है, और इवनिंग शिफ्ट से भी 5 to 6 क्वेश्चंस चैलेंज हुए हैं, और मोर देन दैट आप लोग किए होंगे, बट 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें चैलेंज किया जाना चाहिए था. सो ओवरऑल जो अब जो नया स्कोर बन के आएगा, सपोज डैट कि किसी भी स्टूडेंट का जो अभी स्कोर 120 के करीब में आ रहा है, मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में इसको जब मैं बताया तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए. सो सपोज डैट 120 किसी के सही हो रहे हैं, एंड नेक्स्ट में अभी जो चैलेंज हुआ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग शिफ्ट, तो उनका 120 मार्क्स आ रहा था, और 3 क्वेश्चन उनका ऐसा था जिनमें उन्हें डाउट था, उन्होंने उसको चैलेंज किया, और उस तीनों क्वेश्चंस में से जो फाइनल आंसर की आया उनके अकॉर्डिंग का आया जो उन्होंने मार्क किया था और जो सही होगा, तो उनका मार्क्स टोटल 15 ऐड हो जाएगा और उनका मार्क्स हो जाएगा 135. मैं सेम स्कोर की बात करूँ
सेम स्कोर एक स्टूडेंट को आ रहा था 120, मॉर्निंग शिफ्ट से थे और उनका वो तीन क्वेश्चन का वही मार्क्स किए थे जो प्रोविजनल आंसर की में है, और यदि वो फाइनल आंसर की में चेंज होता है तो उनका 15 मार्क्स रिडक्ट हो जाएगा, तो उनका मार्क्स हो जाएगा 105। तो आप ये चीज़ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि फाइनल के बाद किसका मार्क्स इंक्रीज होगा किसका डिक्रीज होगा, बिकॉज पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हुआ काफ़ी और कुछ का डिक्रीज़ भी हुआ। तो ये तो होगा ही, जब भी फाइनल आंसर की चेंज होगा तब इस तरीके की चीज़ें आएंगी। इस केस में सबका मार्क्स इंक्रीज़ होगा जब जब क्वेश्चन ड्रॉप होता है, ड्रॉप इन द सेंस कि बोनस होता है, और जिसने भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है सबको मार्क्स दिए जाएंगे, उस केस में सबके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। बट जब फाइनल आंसर की में ऑप्शन चेंज किए जाते हैं, सपोज दैट अभी सी ऑप्शन को करेक्ट यहाँ पे माना गया है और फाइनल आंसर की में उसे डी देंगे, तो जिनका डी मार्क्स होगा उन्हीं को मार्क मिलेगा, प्रोविजनल के अकॉर्डिंग उनका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू आर रिलेटिंग द थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग हियर। और मार्क्स का डिफरेंस मैं यहाँ पे बताऊँ कि मैंने टफनेस के बेसिस पे दोनों को कंपेयर किया, सो मार्क्स के बेसिस पे भी दोनों का जो कट ऑफ में डिफरेंसेस होगा वो एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स का तो होगा ही, जस्ट बिकॉज कि पेपर का लेवल जो है वो डिफरेंट था, मतलब मॉडरेट टू टफ था, लेकिन फिर भी सेम पेपर तो नहीं हो सकता है ना, सेम का परसेंटाइल नहीं बन सकते सेम मार्क्स पे, तो 5 to 10 मार्क्स जो है वो कम जाएंगे इवनिंग शिफ्ट वालों का। एंड यहाँ पे मैं सपोर्ट नहीं कर रही कि हाँ इवनिंग शिफ्ट वाले को पिछले बार के कंपेयर जो पिछले बार का टफ था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नॉट लाइक दैट, अकॉर्डिंग टू द पेपर आई एम सेइंग अबाउट दिस। सो आई होप यू आर रिलेटिंग द थिंग्स एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू आई थिंक। एंड आप अपने कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट करके अपने थाट्स शेयर कर सकते हैं, यू आर फ्रॉम मॉर्निंग शिफ्ट एंड यू आर फ्रॉम इवनिंग शिफ्ट, और आपने क्या देखा। आपका ये भी काम है कि यदि आप किसी भी शिफ्ट से हैं आप दोनों शिफ्ट का पेपर देखें, बिकॉज यू आर अ CSIR स्टूडेंट, किसी शिफ्ट के स्टूडेंट नहीं हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का पेपर आ रहा है इन बोथ शिफ्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विथ हस, स्टे कनेक्टेड विथ बायो लर्निंग पॉइंट। योर लव एंड सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट्स वाई आई मेक लॉट्स ऑफ वीडियो फॉर यू गाइज, एंड स्टे कनेक्टेड, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू।